राम राम दोस्तों दोस्तों निफ्टी फिफ्टी की अगर आप सिचुएशन समझेंगे, निफ्टी फिफ्टी ने आपको दोनों साइड ट्रैप करने की कोशिश की है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, हालांकि हमें फॉलोअर कैंडल नहीं मिली है। और साथ ही साथ अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे भी आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देने की दिया है और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। हालांकि यहां पे भी फॉलोअर कैंडल नहीं मिली, इनसाइडी कैंडल हमें यहां पे देखने को मिली और इनसाइडी कैंडल हमें यहां पे देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा एक और बेहतरीन चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपको मार्केट की थोड़ी सी रियलिटी पता चलेगी और इस तरह के मार्केट में किस तरीके से सर्वाइव करना होता है उसकी भी आपको जानकारी डिटेल में मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, लॉजिक पसंद आ रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं आज समझने लायक, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हम समझेंगे। हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे, वन वीक के टाइम फ्रेम पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे और वन मंथ के टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके एक प्राइस एक्शन समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये एक मोमेंटम कंटिन्यू है, हालांकि कहीं कहीं ने मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने का प्लान किया है, आपको ग्रीन कैंडल दी है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं रही बायर्स की जो होल्ड कर सके और आपको कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली। अब जो प्राइस एक्शन है, पहली चीज समझो, ये मान के चलो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, प्रीवियस डे लो हो सकता है, ट्रेडिंग डे लो हो सकता है, या फिर प्रीवियस डे हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। मान के चलो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है आपके लिए ये, ठीक है, सिर्फ उस चीज पे फोकस करो, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, मार्केट आ रहा है और यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे रहा है, पहला केस। दूसरा केस देखो, मार्केट आ रहा है और सीधे ब्रेकडाउन देता हुआ जा रहा है, यह है दूसरा केस। तीसरा केस समझो, चलो तीसरा केस में इसी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो तीसरा केस भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, मार्केट सीधा आया, ब्रेकडाउन दे दिया, रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया और फिर मोमेंटम दे दिया, ठीक है। इन तीनों ही केस में आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये देखो, ये जो पहला केस है, मान के चलो आप ट्रेड में पहले से बैठे हुए थे नेगेटिव साइड, ठीक है, इसमें भी आप ट्रेड में पहले से बैठे हुए थे नेगेटिव साइड, इसमें भी आप ट्रेड में पहले से बैठे हुए थे नेगेटिव साइड, ठीक है। अब यहां पे मार्केट आया, टाइम स्पेंड किया, मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर 2 से 3 कैंडल या मोटा मोटा आप समझे 4 से 5 कैंडल मार्केट बना देता है, डिपेंडिंग ऑन मोमेंटम कैसा है या मार्केट में वोलेटिलिटी कैसी है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर ये 2 से 3 कैंडल बना रहा है तो इसका मतलब साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। बेहतर रहता है उस सिचुएशन में अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो, और जब ब्रेकडाउन देगा तो इसका मतलब मार्केट ने सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट भी कर दी और ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए एक नई एंट्री की सिचुएशन बना दी फिर से नेगेटिव साइड। प्राइस एक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, मार्केट ने सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट भी कर दी और ब्रेकडाउन भी दे दिया, यानी कि जो ट्रेंड पहले से चल रहा था फिर से मार्केट ने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की है, हमारे लिए रेंज बनाई, तो यहां पे हमारे कुछ सेटअप बन गए, रेंज का ब्रेकडाउन या फिर ट्रेडिंग डे लो बनाया, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन। समझ में आ गई लॉजिक, समझ में आ गया। यहां पे दूसरे पे आते, ये मुझे काफी रिस्की लगता है और इस तरह की सिचुएशन को मैं अवॉइड करता हूं, जैसे यहां पे नई एंट्री बनने की कोई लॉजिक ही नहीं होता, और यही ये वाला केस है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अगर आप ट्रेड में पहले से बैठे हुए थे, मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो क्या करना होता है, आपका एसएल जो यहां पे लगा हुआ था उस एसएल को यहां पे ट्रेल करो, ट्रेल करो तो मोमेंटम देखो, अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो जैसे ही मार्केट स्विंग बनाते हुए चलता है हर स्विंग पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, ठीक है, पहला तरीका ये होता है।
दूसरा तरीका, अगर आपने एसएल को यहीं पे ट्रिल कर दिया और मार्केट वापस आके ब्रेकआउट देता है, यानी कि यहां पे फेक ब्रेकडाउन देके ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि आपने अपने एसएल को ट्रिल कर लिया, ये प्रॉफिट आपके हाथ लग जाएगा। वही केस है यहां पे। अगर आप यहां से नेगेटिव सिचुएशन पे बैठे हुए थे, जैसे ही मार्केट ने आपको यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, और मार्केट एक मोमेंटम कंटिन्यू में था, जैसे मैंने कहा मोमेंटम कंटिन्यू में था, तो नई पोजीशन बनाना इस तरह के केस में बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे रहा है और कंटिन्यूअस मार्केट एक मोमेंटम दे रहा है। अगर मार्केट इस तरीके से गिरता, भाई गिरा फिर ऊपर चला गया या साइडवेज चला गया, फिर गिरा फिर रिट्रेसमेंट प्लान कर दिया, फिर गिरा फिर रिट्रेसमेंट प्लान कर दिया, फिर गिरा, तो प्राइस एक्शन मार्केट बनाता हुआ जा रहा है, हमें स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका दे रहा है, हमें ट्रेल करने का भी मौका दे रहा है, हमें एंट्री क्रिएट करने का भी मौका दे रहा है। यहां पे वो सिचुएशन कहीं भी नहीं, यहां पे सीधा ही गिरती आ रहा है, यानी कि मार्केट एक ऑलरेडी रेंज में है, तो हमारे लिए जरूरी है एक रिट्रेसमेंट प्लान करें या फिर उस लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट रेस्पेक्ट करें, यानी कि या तो इस रेंज पे ट्रेडिंग डे लो या प्रीवियस डे हाई की मार्केट पहले वाले केस की तरह रेस्पेक्ट करता, या फिर अगर वो ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो रिट्रेसमेंट करता। ये रिट्रेसमेंट वाला केस कौन सा है? ये तीसरा केस है। अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकडाउन देते आ रहा है, अगर आप पहले से ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल करेंगे, लेकिन नई पोजीशन आप तब बनाएंगे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके वापस आता है, इसे रिटेस्ट करता है, फिर मोमेंटम दे देता है और आपके लिए एक प्राइस एक्शन बना देता है। इस सिचुएशन में आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और इस वाली सिचुएशन में भी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। यहां पे जब मार्केट ब्रेकडाउन देके एक रिट्रेसमेंट एक बाइंग आ रहा था, अगर वो मोमेंटम कंटिन्यू कर देता तो इसका मतलब नेगेटिव साइड हमारे लिए सिनेरियो बन सकता था। देखो ये चीजें कोर्सेज में लोग पैसे लेके समझाते हैं, मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 3 दिन की छुट्टियां भी हैं। ये ऑफर वापिस लाया गया था, मैंने आपसे एक सर्वे लिया था कि इन 3 दिन की छुट्टियों में आप ये ऑफर वापिस से चाहते हैं कि नहीं। बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे भी 75% ऑफ फिर से कर दिया गया है, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज पर भी 75% ऑफ फिर से कर दिया है। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस 75% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज आप सीख सकते हैं और मार्केट को लर्न कर सकते हैं। तो यहां पे आपको प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि जब मार्केट ने कंटिन्यूअस मोमेंटम दिया, यहां पे जो ये रिट्रेसमेंट मार्केट प्लान कर रहा था, इन जोन की रेस्पेक्ट कर रहा था, अगर इसके बाद मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर देता तो हमारे लिए बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन जाता, क्योंकि यहां पे मार्केट ने कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करी है अपने 23,500 की, इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया मार्केट, इसकी रेस्पेक्ट करी है, इस पे यहां पे भी सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से इस एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से इस एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से इस एरिया में वापस आया, फिर से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और मार्केट के बिहेवियर को भी, प्राइस एक्शन को भी समझ के अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। आइए कुछ और चीजों पे भी नजर डालते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहले हम आते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा मार्केट मोमेंटम देता है, रिट्रेसमेंट प्लान करता है, मोमेंटम देता है, साइडवेज चला गया, फिर से एक मोमेंटम दे रहा है, तो अभी एक ये रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो हमें एक ये रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले महीने भी आपको एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बियरिश रेड कैंडल देखने को मिली थी और इस मंथ भी उस कैंडल का ब्रेकडाउन दे दिया गया है, और ये भी अभी लगभग आधा मंथ पड़ा हुआ है, ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो इस वाले जोन में, यानी कि कहीं ना कहीं 22,000 के अराउंड, अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें, यानी कि
मार्केट हमें बेयरिश नजर आ रहा है। अगर गिरावट की बात करें तो ये गिरावट कितनी हो चुकी है, अगर हम उस केस को समझने की कोशिश करें, मैं यहां से हाई को पकड़ता हूं। दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। मोटा मोटा मार्केट 11% के आसपास गिर चुका है, 10.5 समझ लो आप, 10.5 से 11% के आसपास मार्केट गिर चुका है, मोटा मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर हम कोविड की सिचुएशन को समझे, यहाँ पे मार्केट हाई से लो तक कितना गिरा था, लगभग लगभग 40% के आसपास मार्केट में गिरावट दिखाई थी। ये केस मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। और अगर हम हर रिट्रेसमेंट को देखें, ये भी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया गया था कि एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ भी प्लान किया था, ये कितने परसेंट का मार्केट ने किया था, लगभग लगभग ये 18 to 19% का मार्केट ने प्लान किया था, ठीक है। फिर मार्केट ने एक नया हाई लगाया था, फिर यहाँ पे भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा के जो ये रिट्रेसमेंट प्लान किया था, ये मोटा मोटा 11 से 12% के आसपास किया था। फिर मार्केट ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा के फिर एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया था, एक साइडवेज रेंज क्रिएट किया था जो कि 7% के आसपास का था। तो यानी कि अगर हम इन सभी सिनेरियो को देखें, रिट्रेसमेंट पे बात करें, तो कहीं हमें 18% का रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, कहीं 11 से 12% का, कहीं 7 से 8% का। तो अभी भी हमारे लिए तो ये एक रिट्रेसमेंट या कुछ प्रॉफिट बुकिंग वाला ही फेज आपको चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइज एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइज एक्शन में कोई बदलाव किया गया है कि नहीं, उस सिचुएशन को हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारे लिए अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आए, हमारे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहली, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 25,000, ठीक है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है, समझ में आ गई। दूसरा, जो मैंने आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाया, ये रेंज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, 22,000 वाली। ध्यान देंगे अगर आप यहाँ पे, मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट देके देखो मार्केट ने सपोर्ट की तरह किया और बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि अभी एक सिनेरियो हमारे पास बचा हुआ है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम की तरफ जा सकता है, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 20,000 और 19,000 के बीच में जो ये जोन है, इस वाले जोन में मार्केट कहीं ना कहीं सरवाइव करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये काफी दूर है, जब पहले तो हमारा फोकस रहेगा 22,000 पे, जब 22,000 का ब्रेकडाउन मिलेगा तब का डिस्कशन हम तब करेंगे, लेकिन पहले नजदीकी सिचुएशन पे फोकस करते हैं। प्राइज एक्शन क्या कह रहा है, प्राइज एक्शन हमें ये कह रहा है कि मार्केट ने यहां पे एक हायर हाई बनाया था, जो ये हायर लो बना के मार्केट ने फिर से एक नया हायर हाई बनाया था, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका है। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यानी कि अब कुछ महीनों या कुछ हफ्तों क्या हो सकता है, सिनेरियो को समझो कि इस सिचुएशन पे मार्केट क्या प्लान कर सकता है। जैसे इस वाले केस को देखो, इस वाले केस को, यहां पे भी कुछ महीनों तक मार्केट ने किया क्या, इससे पहले मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा था। फिर मार्केट ने जब यहां पे एक नया लो लगाया और फिर जो ये हाई लगाया, ये पिछले हाई से नीचे था, समझो। ये प्राइस एक्शन मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाने की कोशिश की है, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा ध्यान दो, समय दो इन वीडियोस को, क्योंकि लोग पैसे लेके आपको इस तरह के प्राइस एक्शन समझाते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए लर्न करो, समय दो इन वीडियोस को, ध्यान से समझो, अपनी बैक टेस्टिंग करो, प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझो। फिर मार्केट ने फिर से नया लो लगाया, जो ये पिछला लो था इससे नीचे लो लगाया, तो ये आपके लिए क्या बना दिया, लोअर लो। फिर मार्केट ने फिर से लगाया, देखो जो ये हाई था उससे नीचे हाई बनाया, ये आपके लिए क्या बना दिया, लोअर हाई। फिर मार्केट ने फिर से नई रेंज इस तरीके से क्रिएट करी, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए। लेकिन जब प्राइस एक्शन बदला तो मार्केट ने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया और नया हायर हाई, हायर लो बनाते हुए आपको इस तरीके से मोमेंटम देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यहां से हम क्या समझ रहे हैं इस एरिया से, कि भाई जो ये सिचुएशन चल रही है,
ये पहले भी कई बार हो चुकी है, जरूरी नहीं कि पहली बार आपको दिखाई दे रही है। तो अब हमें फोकस कहां करना है, हमें फोकस करना है नए लोअर हाई का मार्केट कहां बनाएगा, क्योंकि अगर हाई ये बन चुका मार्केट, इससे आगे नया हाई बनाता है, हो सकता है वो कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करे या कुछ महीने तक तो फिर नया लोअर लो लगाए, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान करेंगे। हमें ये देखना है, देखो लो तो बनता जा रहा है, यानी कि हमें एक लोअर लो का फॉर्मेशन तो मिलता जाएगा, जितना नीचे जाएगा हमारे लिए उतना ही एक नजदीक लोअर लो की सिचुएशन रहेगी, लेकिन जब उस लो पे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करेगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पिछले हाई से अगर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव सिनेरियो फिर से क्रिएट हो गया, पॉजिटिव साइड प्राइजेक्शन फिर से बनना शुरू हो गया। लेकिन अगर वो पिछले हाई से ऊपर न जाके उससे नीचे एक हाई बना लेगा तो वो हमारे लिए लोअर हाई बन जाएगा, फिर हम देखेंगे कि नया लोअर लो, यानी कि फिर हम पिछले लोअर लो पे फोकस करना शुरू कर देंगे कि उसका ब्रेकडाउन देगा ये सपोर्ट लेके बाउंस करके इस लोअर हाई का ब्रेकआउट देगा। तो इसलिए इस प्राइस एक्शन को समझो, इस वाले पोर्शन को जरूर समझना, सेप्टेम्बर से लेकर यानी कि सितंबर 2021 से लेकर आपको ये अगले सितंबर तक, यानी कि लगभग 2 साल का ये प्राइस एक्शन है, आपको समझना है सितंबर 2000, 1 साल का प्राइस एक्शन है 22 तक आपको ये समझना है। इस वाले पोर्शन को आपको बैक टेस्ट करना है, ये मैं आपका होमवर्क देना है। यहां पे देखो प्राइस एक्शन मैंने समझा दिया क्या बन रहा है, आपको भी इसे समझना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहां पे आपको अपने कुछ रिजल्ट बनाने हैं। और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपने जो भी जैसे यहां पे ड्राइंग करके आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन वहां पे चैट का ऑप्शन है, वहां पे आप मेरे साथ ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं और कुछ आपके मन में सवाल है वो आप वहां पे पूछ भी सकते हैं। और 75% का ऑफर चल रहा है मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखने हैं तो उन ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं, छुट्टियां भी हैं इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। आइए अब हम वन डे की टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं, यहां पे सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे हमारे लिए जरूरी क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस ये किया था कि दो ऐसे जोन है, दो ऐसे पॉइंट है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं, पहला है 0.5 वाला जोन, दूसरा है 0.618 वाला जोन। ये मार्केट को बाउंस करवा सकता है और ये भी मार्केट को बाउंस करवा सकता है, लेकिन 0.5 का हमें मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है यानी कि इसके तो चांसेस हो गए कम। अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मार्केट के लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, 0.618 कह रहा हूं, मार्केट के लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। क्या मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, समझ में आ गए, क्लियर हो गए ना, तो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यानी कि अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है यानी कि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, 0.618 फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो कि है 23,207 के अराउंड आपके लिए अगले इंपोर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से बाउंस मारता है, हालांकि हमें सेलिंग भी काफी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, मार्केट ने ट्राई किया था बाउंस मारने की लेकिन सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिया, आपको मार्केट में सेलिंग भी दिखाई दी, तो आपके लिए जो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है ये प्रीवियस डे हाई है, इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया जो आपके लिए दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है ये 23,783 आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया, तो आइए अब मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं और यहां पे मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आइए अब इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस डे हाई बन सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला जो आपके लिए दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज रहेगी, 23,783 रहेगी। लेकिन माइंड में ट्रेड लेते समय एक बात को नजर में रखना, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव है, और यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव सिनेरियो है। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी फुल क्वांटिटी में ऐसे सिचुएशन पे काम नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव साइड आपके जो भी सेटअप बनेंगे, जो भी ट्रेड बनेंगे, आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना है। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, ट्रेंड की जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, कभी भी एवरेजिंग करने की गलती मत करना, ना ही क्वांटिटी ऐड करने की यानी कि उसमें पिरामिडिंग करने की गलती मत करना, क्योंकि जब भी स्पाइक आएंगे मार्केट में, तेजी के साथ गिरावट आएगी और वो प्रीमियम एकदम से खा जाएंगे, और जो आपको वो प्रीमियम कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे आप यहां पे देखेंगे, मोमेंटम आया, साइडवेज गया और मोमेंटम आ गया, फिर से साइडवेज गया, फिर से एकदम से मोमेंटम आ गया, तो यहां पे अपोजिट गया, फिर से एकदम से मार्केट ने गिरावट दिखा दी, तो इसलिए एकदम से ट्रैक करेगा। तो इसलिए कम क्वांटिटी में काम करो अपोजिट डायरेक्शन में, एवरेजिंग करने की गलती मत करो, क्वांटिटी ऐड करने की गलती बिल्कुल भी मत करो, पिरामिडिंग करने की भी गलती बिल्कुल भी मत करो। तो इसलिए आपको इन सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हो गया? बेहतर ये रहेगा अगर आप बिगनर हो, मार्केट ट्रेंड के अपोजिट चल रहा है, शांति से बैठे रहो, जब वो आपके ट्रेंड में वापिस आएगा तभी उसमें आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे, तो वो और ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो हमारे लिए इन जोन का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। क्यों? रीजन समझते हैं। पहला रीजन, यहां पे आपके लिए 23,500 का एक राउंड लेवल है, इसलिए हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए। दूसरा रीजन, हमारे लिए यहां पे प्रीवियस डे लो है, हमें उसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। तीसरा रीजन, मार्केट ने आज यहां पे एक प्राइस एक्शन भी बना दिया है। अगर आप ध्यान देंगे, 13 का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं इसी जोन के पास आया, मार्केट बाउंस कर गया। आज 14 में भी अगर आप मार्केट को देखेंगे, 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया इसी जोन पे। शुरुआत में सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया, फिर वापस आया सपोर्ट लेके, फिर बाउंस कर गया, और फिर ये देखो लास्ट टाइम में फिर से आया मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, और पूरे दिन इसी रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड करता रहा। तो यानी कि यहां पे एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। यानी कि नेगेटिव साइड प्लान करने के लिए हमारे पास 3 रीजन है, 3 लॉजिक है। जब तक हमें इनका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, आपको नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। प्राइस एक्शन को आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, वहीं से आपको मार्केट की क्लियरिटी मिलेगी। अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है, फिर मार्केट के लिए जो एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वे 23,207, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 का जोन है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी भी हमारे लिए उतनी ही बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट को बाउंस करना होगा, तो यही वो जोन है जहां से मार्केट बाउंस मार सकता है, जो मार्केट को होल्ड करके रख सकता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि 0.618 का ब्रेकडाउन मिलता है या फिर सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस मारता है। अब डिस्कस करते हैं गैप अप ओपनिंग के बारे में। गैप डाउन ओपनिंग काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, उसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन कर लेते हैं। गैप अप ओपनिंग पे अगर आप सिचुएशन समझेंगे, पहली चीज ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। दूसरी चीज, कहीं देखो सेलिंग मार्केट में यहां से भी आई है और यहां से भी आई है। कई बार मार्केट गैप अप ओपन होता है सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए, तो इसीलिए एकदम से भावनाओं में मत बह जाना कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, क्योंकि हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस यहां पे ये खड़ा हुआ है। तो हम ये नोटिस करेंगे कि प्रीवियस डे हाई से कितनी दूर और कितनी नजदीक गैप अप ओपनिंग है। अगर गैप अप ओपनिंग देके एकदम से मार्केट ने पॉजिटिव चलना शुरू कर दिया, तो कुछ भी मत करना, ठीक है? और अगर एकदम से नहीं, मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दिया, तब हाफ क्वांटिटी में काम करना, लेकिन रेजिस्टेंस पे फोकस रखना। समझ में आ गया? चीजों को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट ने ज्यादा ही बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, इसी रेजिस्टेंस के पास दे दिया, तो रिजेक्शन कैंडल ढूंढना,
पॉजिटिव साइड करना ट्रेड बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट नेगेटिव चला हुआ है। हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देके ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो। समझ में आ गई? वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे लिए इस एरिया में तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। पहला क्या था? 23,500। दूसरा क्या था? हमारे लिए प्रीवियस डे लो। तीसरा क्या था? हमारे लिए एक प्राइज एक्शन बना था मार्केट के लिए सपोर्ट लेके। 2 दिन से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और आज के दिन 3 दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, हमें इनका ब्रेकडाउन चाहिए अगर हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना सोच रहे हैं, और फिर मोमेंटम भी चाहिए। ज्यादा बेहतर वो रहेगा अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके वापस आ जाए, रिटेस्ट करके फिर प्राइज एक्शन बना दे। ये काफी बेहतरीन प्राइज एक्शन हमारे लिए हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, 3 दिन की आपके पास छुट्टियां हैं। 75% ऑफ मैंने कर दिया है ताकि आप इन छुट्टियों का फायदा उठा सकें। तो इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, इस ऑफर का भी फायदा उठाइए। मैंने सर्वे लिया था, आप लोगों ने ही डिमांड की थी कि 75% का ऑफर वापस लाया जाए, तो वापस लाया गया है। अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्या हमें इंप्रूव करना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।